ओ असी छुटकी न पेता रगड़ के गेंदी मुंह मारा मचा रहा है सरकार जो खाया है उसको बचा रहा हूं। अरे ये सब छोड़ दो और क्या मोड़ दो कहो मेरे श्रृंग बेरपुर का हाल कहो। अरे सरकार सभी प्रकार से खुशी है एक चीज की दुखी है कुछ लोग बैठे हैं कुछ लेटे हैं। अरे जो लेटे हैं उनको लेटा रहने दो बैठे हैं उनको बैठा रहने दो। लेकिन महाराज अभी अभी सूचना मिली है कि जो हमारे प्रभु राम जी के छोटे भाई है भरत लाल वो चतुरंगी सेना लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो महाराज? भरत लाल अपनी चतुरंगी सेना लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ लगता है कि वो युद्ध करने जा रहे हैं राम। नहीं राज सेवक ये तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। अगर उनके मन में किसी तरह का द्वेष आया है और वो श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो फिर तुम जानते हो मैं श्री राम का सखा निषाद राजगुह यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं भरत को सुरसली के उस पार नहीं जाने दूंगा। युद्ध की तैयारी कर लो सारे सैनिकों को बुलावा दे लो कोई भी सैनिक युद्ध स्थल से बाहर नहीं रहेगा। एक बार चल करके हम युद्ध का ऐलान करेंगे अपने जीते जी रघुनंदन के शत्रु को उनके पास नहीं जाने देंगे। इतना कहत छीक भई बाए रघुनंदन खेत सजाए। हमने जैसे ही युद्ध की तैयारी बनाई तुमने हमारे बाम भाग में जाकर के छींक कर दिया। महाराज ये अशगुन हो गया ये अपशकुन है। इसमें हमारे किसी अच्छे सगुनिया को बुला करके विचार करवाओ। अरे महाराज मैं खुद सगुनिया हूँ। अच्छा बूढ़े एक के सगुन विचारी भरते मैंने न हो ये रारी। तो फिर कहो आज जिस युद्ध के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं भरत लाल अपनी सेना लेकर राम की ओर बढ़ रहे हैं अगर ऐसी बात है तो इस पे हमारा विचार जो है क्या उचित है? अरे महाराज पहले मैं विचारूं सगुन विचार रहा हूं आप इधर आइए बढ़िया विचारूंगा मैं बहुत जो ज्योतिष विद्या जानता हूं ना महाराज। अच्छा आप एक काम करिए किसी फल का नाम लीजिए। फल हम वनवासियों के लिए तो केवल एक ही फल है वो है कटहल। कटहल किसी धातु का नाम लीजिए। धातुओं में सबल लोहा। लोहा किसी पुष्प का नाम लीजिए। पुष्प में सबसे सुंदर पुष्प अगर इस संसार में कोई है वो है गुलाब। गुलाब किसी अन्न का नाम लीजिए। अन्न में प्रधान इस धरती का प्रथम अन्न है वो है जौ। जौ लोहा कटहल गुलाब जौ लोहा लोहा से बनती है तलवार। हाँ कटहल कटहल जैसे फाड़ा जाता है वैसे तुम फाड़े जाइयो। गुलाब गुलाब होता है लाल लाल वैसे खून निकली। ये क्या बक रहा है? हाँ महाराज और जौ जौ जब आदमी मर जाते तो हड्डी हड्डी धर हो जाते। नहीं कदाप नहीं हो सकता ऐसा। इसका मतलब ये हुआ महाराज कि कहीं ऐसा ना हो कि चतुरंगिणी सेना दो कारणों से लाई जाती है एक तो इसलिए युद्ध के लिए एक संधि के लिए हो सकता है वो राम जी से मिलने जा रहे हो। ये विचार तुम्हारा उचित है क्योंकि चतुरंगिणी सेना लाने के दो ही कारण होते हैं या तो किसी राजा का सम्मान करना हो या किसी राजा से युद्ध करना हो। बिल्कुल अगर इन दो भावनाओं में है तो हम भी दो ही नीति का प्रयोग करेंगे। हाँ महाराज इसीलिए मेरा कहना है कि आप ऐसे करिए दो थाल मंगाइए
इस एक थाल में मीन मतलब मछली के मांस रखिए और एक थाल में फल फूल रखिए, दोनों थाल उनके सामने रखिए। अगर उनकी पहली दृष्टि मांस में पड़ती है तो समझ लेना कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं। अगर उनकी पहली दृष्टि फल फूल पर पड़ती है तो समझना कि वो मित्रता के लिए जा रहे हैं। हे सगुनिया, तुम्हारा साधुवाद। तुमने कहा दो थाल सजाए जाएं, पहले थाल में सात्विक भोजन, दूसरे थाल में तामसिक भोजन। अगर तामसी भोजन की ओर दृष्टि जाए तो समझो युद्ध, अगर सात्विक भोजन की ओर दृष्टि जाए तो समझो संधि। इन विचारों को सुनकर के हृदय गदगद हो गया। लेकिन हम राजा हैं, हम दोहरी नीति का पालन करेंगे। सैनिकों, तुम लोगों के लिए सावधानी का आदेश है, कोई भी सैनिक युद्ध स्थल से बाहर नहीं जाएगा। इन झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। अगर पहला वार अयोध्या के राजा भरत से होता है तो दूसरा वार खाली नहीं जाने पाए। श्री राम की रक्षा में हम समस्त अपने प्राणों को देने के लिए तातुर हैं। सावधान सावधान, दो थालों की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल महाराज, तो थाल अभी ला रहा हूँ, एक थाल तो मिल गए, दूसरी थाल। देख दूर ते कहन जिनामू कीन मुनि सहिदन प्रणाम। अयोध्या के नृपाल एवं अयोध्या के राजगुरु मेरे पिता देवदत्त, इस सिंहवीरपुर के राजा जिनका पुत्र गुह जाति से निषाद, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महाराज। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरतई कहो बुझाए मुनीषा। राम सखा सुन संदन त्यार। इसी प्रसंग में श्री भानु प्रताप बहरूपिया एंड नागिन बैंड पान भंडार सैदपुर राज हमीरपुर 21 पुष्पुत्राए बबो धनबाद बबो सर। करत दंड बंद दे भरत, निषाद तुम्हारा कल्याण हो। भरत, ये तुम्हारे भैया राम के सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं और बड़ा ही अच्छी मित्रता रही है इन दोनों में, मानो कि भाई और भाइयों की तरह प्रेम रहा है, सो इनसे तुम मिलो। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय। भेंटत भरत ताहे अति प्रीति लोग सहाय प्रेम के रीति। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन प्राप्त हुए। आज मेरे महाप्रभु के आप मित्र हैं और मुझको आपके दर्शन प्राप्त हुए, ये तो मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो गई जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे भैया भरत, ये जमाना आपको याद करेगा। एक भाई का एक भाई से प्रेम क्या होता है ये जमाना आपसे सीखेगा। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे भैया, श्री राम जी इसी सिलसुपा वृक्ष के नीचे एक रात्रि विश्राम किए थे। आए मैं उस स्थान को दिखा करके आपको आपको सुख को वापस करना चाहता हूँ। यही वो स्थान है जहां पर साथरी लगा करके श्री राम एक रात्रि विश्राम करते रहे। हाय रे बाबा भरत, तू राजमहलों के भोग को भोगता रहा और मेरे प्रभु श्री राम इन पत्तों और कुसाओं में शयन करते रहे। अरे आज तू बड़ा अभागा है हे भरत, तू तो उनके भाई कहलाने के योग्य भी नहीं है, नहीं है। हे भैया भरत, यह समय दुख करने का नहीं है। आपकी निर्मल भावना देख करके श्री राम जी का वात्सल आपको जरूर मिलेगा। मैं चित्रकूट तक उनके साथ गया था। आप चित्रकूट तक मेरे प्रभु के साथ में गए? पंचवटी में पूरी व्यवस्था करवाने के बाद ही मैं वापस आया था। पंचवटी में आप गए थे? हाँ। तो इस समय मेरे महाप्रभु कहाँ पर है? इस समय प्रभु पंचवटी में ही निवास कर रहे हैं। आप चले मेरे साथ, मैं चल करके आपको रास्ता दिखाता हूँ। सैनिकों, श्रृंगवेरपुर की व्यवस्था को संभाल करके रखना, हम इस समय पंचवटी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए प्रभु हमारे साथ।
नंगी पाव चलल बड़वानी। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना